हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, देखिए हमने अपने आज इतने गमले कलर कर लिए हैं। कलर करने का काम मैंने शुरू कर दिया है और मैं अपनी वीडियो के टॉपिक पे आती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक मेरा एक बहुत ही पवित्र पौधा, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, जिसमें कहते हैं कि स्वयं देवता निवास करते हैं, बिल्कुल तुलसा जी की ही तरह, शमी का ये पौधा है जिसे हर कोई अपने घर लगाना पसंद करता है और लगाता भी है। ये शमी का वृक्ष है और इनका संबंध सीधे शनि देवता से है। कहते हैं कि शनि की मूर्ति पर जिस तरीके से जो पुण्य हमें दीपक जलाने से मिलता है, वो इसकी पेड़ के नीचे जला दें तो वही फल मिलता है। स्वयं शनिदेव इसमें विराजमान रहते हैं, तो जिसका संबंध सीधे देवता से है वो कितना पवित्र पौधा होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। और इसका पौराणिक ग्रंथों में भी बहुत महत्व चर्चा की गई है, बहुत जगह इसका जिक्र आया है, तो धार्मिक महत्व तो इसका बहुत है ही। और जिसका संबंध, जिसमें स्वयं देवता निवास कर रहे हों, जिसका संबंध देवताओं से हो, वो तो कितनी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं। और फिर बहुत कुछ अपनी आस्था पर भी निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके धार्मिक महत्व की बात हो गई। अब हम ये करेंगे, ये इसमें इस हम वीडियो के टॉपिक में यही बात करेंगे कि हम इसे कैसे अपने घर में ग्रो करें जिससे हमारा पौधा स्वस्थ दिखे, खूब ब्रांचेस निकलें, अच्छा लगे देखने में। तो बरसात के दिनों में देखिए, ये एक छोटा ही सा पौधा था और इसमें प्रूनिंग वगैरह कर दी तो ये देखिए खूब अच्छे से इसमें कई ब्रांचेस निकल आई और बहुत अच्छा ये चल गया प्लांट, देखिए। तो अब सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं। चूँकि ये ड्राई एरिया का प्लांट है तो हम लोग जैसे सिंपल मिट्टी सबके तैयार करते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए और थोड़ा इसको घना और अच्छा बनाना है। ज़मीन पर लगाना है तो आप ऐसी जगह लगाएं, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, बहुत बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है। और गमले में लगा रहे हैं तो यदि अच्छा चलाना है तो थोड़ा सा बड़े गमले में लगाएं। जैसे देखिए मैंने ये करीब 14 इंच के पॉट में लगा रखा है तो ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। एक छोटा सा ही पौधा था लेकिन इसको अच्छी मिट्टी और मिली तो ये अच्छा ग्रो कर रहा है। पानी की बात करेंगे तो पानी फ्रेंड्स इसको ज़्यादा नहीं देना है आपको, जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी दीजिए, दो दूसरे तीसरे दिन। ज़्यादा इसको पानी देना मतलब बहुत ज़्यादा पानी इसे मत दीजिएगा। और फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र, चूँकि ये लीफ हमें इसकी हेल्दी चाहिए तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, वही वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर गोबर की खाद, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता है ये प्लांट। और लोकेशन की बात करेंगे इसे कहाँ रखें तो फ्रेंड्स इसे थोड़ी सी धूप भी मिलनी चाहिए और बहुत ज़्यादा धूप में भी पत्तियाँ गर्म करने लगती हैं, थोड़ी सी धूप अच्छे से मिल जाए सुबह की या शाम की तो ये ठीक है। ये देखिए कम धूप में भी अच्छा ग्रो करता है और धूप में भी ये अच्छा चलता है। जंगलों वगैरह में तो बाहर ही लगा रहता है ये, तो हम लोग अपने घरों में से शेमी शेड में रखें जहाँ थोड़ी सी छनती हुई धूप भी पड़े तो ये अच्छा ग्रो करता है। और फ्रेंड्स इसके प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो मैंने तो चूँकि खरीद के लगाया है, कहते हैं ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, इसकी मोटी सी कटिंग ले करके और इसे रूटिंग हार्मोन लगा करके आप करें ग्रो तो ग्रो हो जाता है, लेकिन मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। अब तो बरसात भी निकल गई है, बरसात में लगाते हैं तो लग जाता है। और इसके इसमें जब पुराना पेड़ हो जाता है फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं और उसी में लटकते हुए फ्लावर्स होते हैं, मैंने नर्सरी वगैरह में देखा है, तो उसी में बीज भी लग जाते हैं। बीज से भी इसको ग्रो करते हैं और कटिंग से भी इसे ग्रो कर सकते हैं, हालांकि मैंने कटिंग वटिंग से भी ट्राई नहीं किया है। ये देखिए नर्सरी में खूब मिलता है, ये खूब बिकता है, तो आप इस सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर पौधे को ज़रूर अपने घर में शामिल करें। ये देखिए हमारा स्वस्थ पौधा, तो मुझे लगता है कि इससे संबंधित मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। ये शमी का वृक्ष आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट माना जाता है, बहुत शुभ प्लांट है। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।